अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने एक प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ। ये एक स्टेयर रूम है और उसकी आरसीसी स्लैब है, कास्ट इनफिटेड स्लैब है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड पर ही शटरिंग और स्टील फिक्सिंग की गई है और इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टू वे स्लैब है और इसका जो आप देख सकते हैं बॉटम स्टील है वो मैं ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर चुका हूँ। वो है 12 mm 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वे, दोनों तरफ में एक्स और वाई एक्सिस में, और टॉप भी सेम है। उस दोनों जाली में स्पेसिंग के लिए उन्होंने चेयर प्रोवाइड की हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। और साइड में जो बीम दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये B2 है, बॉटम टॉप एंड बॉटम 25 mm स्टील, और जो रिंग्स हैं वो 150 mm सेंटर टू सेंटर डाले गए हैं। थिकनेस जो स्लैब की थिकनेस है वो 200 mm है, यानी 20 cm है। नीचे 35 cm का कवर है और ऊपर भी 35 cm का कवर है, तो परफेक्ट है। रेन वाटर के लिए इन्होंने दिया है 10.3 भी है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि यहाँ कंक्रीट हो जाएगी तो 6 पॉइंट, यहाँ नीचे सीलिंग नहीं है, इन्होंने 6 यानी बॉक्सेस डाले हैं। इधर से डाउन से आएगी ये यानी कनेक्टिविटी, और इधर से भी। तो देख सकते हैं आप कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। ये स्टेयर हेड रूम है, उसकी स्लैब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। जो स्टील की मैं बात कर रहा था वो ये 12 mm है, इसका एक दूसरे से डिस्टेंस 150 mm है, बोथ फेस टॉप एंड बॉटम, मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। सो ओके, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।